उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूजा भट्ट, विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्नीचर एवं फर्निशिंग। आज हम जानेंगे फर्नीचर एवं फर्निशिंग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और आप एक अच्छे फर्नीचर का चयन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्नीचर होता क्या है या फिर फर्निशिंग आइटम से आप क्या समझते हैं। यदि हम फर्नीचर की हम बात करें तो फर्नीचर ऐसा होता है कि कोई भी आप इसे चल या अचल वस्तु कह सकते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। जैसे आपकी दैनिक दिनचर्या में आप उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, कार्य करते हैं, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से करने के लिए आपको फर्नीचर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि फर्नीचर ऐसी चीज़ है जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। आप फर्नीचर को एकल रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर संदर्भित कर सकते हैं। एकल रूप से मतलब ये है कि इसे कोई भी सिंगल चेयर, रेस्टिंग चेयर, ये हो गया हमारा एकल फर्नीचर। और जब हम बात करते हैं कि सामूहिक फर्नीचर, तो वो फर्नीचर क्या है, जैसे एक डाइनिंग टेबल के साथ जो चेयर्स लगी हैं वो है आपका सामूहिक फर्नीचर का उदाहरण। इसके अलावा आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एक टूल है जो आपके इंटीरियर डेकोरेशन को फैसिलिटेट करता है। यदि आप अपने घर में फर्नीचर और फर्निशिंग आइटम का सिलेक्शन बहुत ही केयरफुली अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने पूरे इंटीरियर को बहुत ही सुरुचिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अच्छे फर्नीचर का क्या गुण होने चाहिए। देखिए शिक्षार्थियों, क्या होता है कि जैसे फर्नीचर है तो उसकी एक ब्यूटी वैल्यू तो ऑब्वियसली होगी। आपको पता है कि अच्छा फर्नीचर दिखने में सुंदर होना चाहिए, मतलब फर्नीचर कलात्मक डिज़ाइन तो उसमें होगा ही, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो फंक्शनल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो फर्नीचर है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट गुण ये है या उसकी विशेषता ये है कि वो फंक्शनल होना चाहिए, तभी वो जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया गया है, जैसे एक शेल्फ्स है, बेड है, सोफ़ा है, ये सब जो चीज़ें हैं ये फंक्शनल ही आप इनको यूज़ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो फर्नीचर है कितनी बार ऐसा होता है कि वो प्रतीकात्मक या फिर धार्मिक उद्देश्य की भी पूर्ति करता है। जैसे कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लॉक लगाई हुई है तो इसके बैक में ओम का एक सिंबल बना हुआ है, तो आपको लग रहा है ना कि ये किसी रिलीजियस चीज़ को शो कर रहा है, तो इस प्रकार से ये एक रिलीजियस चीज़ को शो कर रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये किसी न किसी धार्मिक या फिर कोई भी सिंबॉलिक चीज़ को भी डिपिक हमारा फर्नीचर करता है। तीसरा, इसका जो कार्य है आप ये समझ सकते हैं कि ये परिवार में एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने वाला होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आप जहाँ भी रह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी जगह में रहने के लिए आपको, अगर वहाँ उस जगह में यदि आपको अंतरंगता की भावना लानी है तो आपको उसके लिए भौतिक चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो फर्नीचर उन चीज़ों में से एक चीज़ है। जैसे आपके घर में एक टीवी यूनिट लगी है तो आपके सभी मेंबर्स मिलके उस टीवी यूनिट के थ्रू अपना फैमिली टाइम इन्जॉय करते हैं। या फिर आप ऐसा समझिए कि आप डाइनिंग टेबल पर आप खाना खाते हैं तो सभी लोग मिलके वहाँ पर खाना खाते हैं, तो इस प्रकार आपके परिवार के सभी सदस्यों में सौहार्द की भावना बढ़ती है और मेलजोल भी बढ़ता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं जो हमारा फर्नीचर है वो पारिवारिक जीवन की भावना पैदा करता है और फैमिली में जो पारिवारिक वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं, उनको भी वो बढ़ावा देता है। कितनी बार ऐसा होता है कि आपके घर में कुछ गेस्ट आते हैं तो आप जब उनकी मेज़बानी करते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए आपको किसी न किसी रूप में फर्नीचर की ही आवश्यकता होती है। तो इसलिए फर्नीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो आपके फैमिली में एक अच्छी बॉन्डिंग पैदा करे। अगला है अभिव्यक्ति। शिक्षार्थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटीरियर डेकोरेशन का एक मेन आस्पेक्ट है एक्सप्रेशन। आप इंटीरियर डेकोरेशन के थ्रू बहुत सारी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे भी आपके जो फर्नीचर के लिए पसंद या नापसंद है वो आपकी इनर फीलिंग को एक्सप्रेस करती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आप किस कलर का फर्नीचर चाह रहे हैं या कौन सी लकड़ी आपको उसमें चाहिए, तो इसके थ्रू आप अपनी जो इंटरनल फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए फर्नीचर का इम्पॉर्टेंट रोल ये भी है कि वह आपके ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो फर्नीचर का जो अगली विशेषता है कि वह भंडारण के लिए एक उपयुक्त साधन है।
आप समझ सकते हैं फर्नीचर को आप कैच ऑल आइटम के नाम से भी संदर्भित कर सकते हैं। आप कहीं से आए, आपने अपनी चाबियां दराज में डाली, आपने अपने कपड़े किसी भी अलमारी के अंदर रखे, तो आप भंडारण के लिए भी फर्नीचर को यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि जो फर्नीचर है, जो आपकी अव्यवस्था होती है, उसको व्यवस्थित करने का एक कार्य करता है। तो इसलिए जो फर्नीचर है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो एक स्टोरेज आइटम की तरह भी कार्य करता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक हितों में वृद्धि। क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि जो सामुदायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों ने किसी भी व्यक्ति विशेष की संगीत, कला, सिनेमाघरों और पुस्तक क्लबों के द्वारा लोगों की इन सब चीज़ों में रुचियाँ बढ़ाई हैं, जो कि होना भी चाहिए। तो इसलिए आजकल लोग अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं और संगीत, कला इत्यादि के लिए भी उनका जो प्रेम है वो बढ़ने लगा है। तो जो फर्नीचर होता है वो क्या करता है, आपके जो इस ओर जो आपका झुकाव है उसको एक्सप्रेस करने में वो हेल्प करेगा। जैसे आपके अगर यदि आप कोई बुक्स पसंद करते हैं या किसी भी संगीत या कला प्रेमी हैं, तो आप अपने घर में उनको जगह दे सकते हैं। तो उन सबको जगह देने के लिए आपको फर्नीचर की आवश्यकता होगी। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका फर्नीचर हो वो आपके सांस्कृतिक हितों में वृद्धि करे और जो आपका कल्चरल जो आपकी चीज़ें हैं उनको भी वो आगे लेके जाए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं अच्छे से कि जैसे कुशन लगाए हुए हैं, तो इसमें एक ट्रेडिशनल पेंटिंग बनी हुई है। तो ये आपके जो आपके लिए कला के प्रति जो प्रेम है उसको ये दर्शा रहा है, और साथ ही आपके जो कला के प्रति प्रेम है इसको भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने में हेल्प करेगा। इसी प्रकार जो बुक शेल्स हैं, आपने वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की बुक्स रखी हैं, तो उन सबसे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होगी। अब हम बात करेंगे कि फर्निशिंग कितने प्रकार की होती है। फर्निशिंग के दो प्रकार हैं, सॉफ्ट और हार्ड। पहले हम बात करेंगे कि सॉफ्ट फर्निशिंग क्या होती है। शिक्षार्थियों, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सॉफ्ट फर्निशिंग का मतलब है ऐसी चीज़ें जो सॉफ्ट चीज़ों से बनी हों। इसकी जो टेक्टाइल क्वालिटी है वो सॉफ्ट होगी, अर्थात जब आप इन चीज़ों को छुएंगे तो आपको नरमी का एहसास होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपके घर में जो सॉफ्ट फर्निशिंग होती है, आपके घर के वो तत्व हैं जो आपके घर की जो आंतरिक सज्जा को सुशोभित करते हैं और घर में एक सुखद वातावरण प्रदान करते हैं। इसलिए जब आप सॉफ्ट फर्निशिंग का जो इस्तेमाल यदि आप अपने घर में बहुत ही अच्छे तरीके से यदि आप करते हैं, तो आप अपने घर में रेस्ट की फीलिंग को इनक्रीज़ कर सकते हैं और अपने घर में जो शांति का स्तर है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। इसमें आपके तकिए, पर्दे, कवर, चादरें, सारी चीज़ें आएंगी जो सॉफ्ट इन नेचर है। जब आप सॉफ्ट फर्निशिंग का इस्तेमाल अपने घर पे करते हैं, तो आप बहुत ही इकोनॉमिक वे में अपने घर के इंटीरियर को बहुत ही अच्छा सा लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल में कि क्या क्या होती है सॉफ्ट फर्निशिंग। सबसे पहले है अपोल्स्ट्री। अपोल्स्ट्री में क्या आएगा, इसमें आएंगी आपकी पैडिंग, वेबलिंग, कॉइल स्प्रिंग्स, पॉलीयुरेथेन फोम और कपड़े। ये वो सब चीज़ें हैं जो फर्नीचर को एक नरम कवरिंग देते हैं। तो यदि हम एक सोफ़ा के अपोल्स्ट्री फैब्रिक्स की बात करें, तो ये आपके लेदर हो सकता है, आर्टिफिशियल लेदर हो सकता है, रेयॉन का फैब्रिक हो सकता है, सिल्क हो सकता है, माइक्रोफाइबर युक्त फैब्रिक्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें सारे तरीके के कपड़े आते हैं। जब आप अपने घर के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं कि कैसा अपोल्स्ट्री फैब्रिक आप खरीदें, तो आपने कुछ चीज़ों को ध्यान में देना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो आपका अपोल्स्ट्री फैब्रिक है वो हाइपोलर्जिक हो। हाइपोलर्जिक से मतलब ये है कि यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसे धूल या धूल के कण से एलर्जी हो, तो वो आपका जो कपड़ा है वो इस एलर्जी को कम करने वाला होना चाहिए। तो जो इसके लिए जो माइक्रोफाइबर युक्त कपड़े हैं वो अच्छे माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त तंग बुनाई वाले जो कपड़े हैं वो भी हाइपोलर्जिक होते हैं नेचर में, तो इसके लिए एक अच्छा विकल्प है आपके पास। यदि आपके घर में बच्चे हैं, तो भी आपने देखना है कि जो आपका फैब्रिक हो वो बच्चों के अनुकूल हो। तो इस कैटेगरी में भी जो माइक्रोफाइबर युक्त जो कपड़े होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया वो हाइपोलर्जिक होते हैं, तो उनका चुनाव भी आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हाइपोलर्जिक की श्रेणी में लेदर भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन जब आप बच्चों के लिए चुन रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है जैसे कपास, लिग्निन, जो इस टाइप के जो मटेरियल हैं उनमें क्या होता है कि दाग थोड़े लंबे समय तक रुकते हैं, तो इसलिए वो एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं है अगर आप इस लिहाज से देखें तो।
यदि आपके घर में पालतू जानवर हैं तो भी आपने देखना है कि आपने किस प्रकार का फैब्रिक सेलेक्ट करना है। तो इस कैटेगरी में आपने देखना है कि आपका जो फैब्रिक हो वो ऐसा हो जिससे दाग उसमें आसानी से ना रुके, क्योंकि जो जानवरों के पंजे के निशान होते हैं वो एक बार यदि आपके फैब्रिक में लग जाएंगे पोल्स्ट्री के तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो माइक्रोफाइबर युक्त कपड़े हैं या फिर जो चमड़े हैं ऐसा माना जाता है कि वो दाग के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इसके अलावा आप इसके लिए मखमली और रेशमी कपड़ों का चुनाव बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस टाइप के फैब्रिक में जानवरों के बाल एकदम से चिपक जाते हैं और उनको हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला आपने देखना है कि जो फैब्रिक है वो आपके बजट के अनुकूल होना चाहिए। तो जब बजट के अनुकूल होगा तो इसके लिए आपने देखना है कि जो सिंथेटिक सूती और जो मिश्रित कपड़े वाला जो फैब्रिक है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि टिकाऊ होना चाहिए। तो इसलिए आप जब टिकाऊ देखना है आपने कि कितना ड्यूरेबल आपका फैब्रिक होगा, तो आपने चूज़ करना है कपास, लिनन या फिर जो सिंथेटिक माइक्रोफाइबर या फिर ओलिफिन युक्त जो फैब्रिक्स हों उनके लिए आप उन चीज़ों को आप चुनाव करें। अगली कैटेगरी है पर्दे की। पर्दे और जो ड्रेपरीज होते हैं ये आपके रूम को बहुत ही एक आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही अच्छा मेकओवर देते हैं। और अगर हम इनकी फंक्शनल फ्रंट की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, ये आपके घर में ध्वनि, गर्मी, ठंड या प्रकाश को रोकने में मदद करते हैं, या आप इसे कम्प्लीटली रोकना नहीं कह सकते हैं, सेलेक्टिव वे में आने से मदद करेंगे आपकी ये। तो वैसे तो इन दोनों का जो कार्य है वो आपके रूम को डेकोरेट करना है, लेकिन यदि हम इनमें अंतर की बात करें, जो ड्रेप्स होते हैं वो औपचारिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि पर्दे जो होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। और कार्य जैसा आपको पहले भी बताया, कार्य दोनों का विंडो को आकर्षक बनाने का ही है। और यदि हम फैब्रिक की बात करें तो जो ड्रेप का जो फैब्रिक होगा वो थोड़ा हार्ड और स्टिफ होता है, और जो कर्टेंस का जो फैब्रिक होता है वो सॉफ्ट होता है, उसमें ड्रेपेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगले हमारे जो सॉफ्ट फर्निशिंग है उसमें है गलीचा और कालीन। गलीचे और कालीन जो है ये आपके पैरों को नरम बनाते हैं और एक सॉफ्टनेस प्रदान करेंगे आपके चलने के लिए सरफेस में। तो होते तो इन दोनों का कार्य यही है कि आपके पैरों को सॉफ्टनेस प्रदान करना, और कुछ हद तक जो गलीचे और जो कालीन होते हैं ये ध्वनि नियंत्रक का भी कार्य करते हैं। पर इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए गलीचा क्या होगा वो थोड़ा छोटा होगा साइज़ में, और जबकि जो कालीन होगा वो बड़ा होता है। बड़ा होने के साथ साथ जो कालीन है वो दो ओर से खुला और दो ओर से बंद होता है, जबकि जो गलीचा है वो चारों ओर से बना हुआ होगा, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि जो गलीचा है वो छोटा है तो आप इसे अपने हर रूम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और छोटा होने के कारण इसका जो कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो लेकिन जो गलीचा है वो साइज़ में बड़ा होता है, तो आप उसे बहुत ज़्यादा आप उसे हर बार चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसलिए इसका रखरखाव और जो देखभाल है कालीन की वो थोड़ा अलग होती है एज़ कम्पेयर टू गलीचे की। अब हम बात करते हैं कुशन्स की। कुशन को आप एक सॉफ्ट बैग समझ लीजिए, और इन बैग में सॉफ्टनेस कहाँ से आ रही है, ये सॉफ्टनेस आ रही है इनमें भरे हुए मटीरियल्स की वजह से। इनमें भरा हुआ मटीरियल क्या हो सकता है, ये ऊन हो सकता है, बाल हो सकते हैं, पंख हो सकते हैं, या कोई भी पॉलिएस्टर इत्यादि जो स्टेपल फाइबर्स हैं उनके रेशे हो सकते हैं। तो कुशन का जो कार्य है वो क्या है, ये आपके जो बैक को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए आपने कुशन मेनली वहाँ यूज़ करते हैं आप जहाँ आप आराम करना चाहते हों। और ऐसा नहीं है जो कुशन है वो रिसेंटली ट्रेंड में आए हैं, जो कुशन है बहुत पहले से ही चलन में है, इवन प्राचीन काल में मध्य युग में भी इनका जिक्र हुआ है। लेकिन जो तब के जो कुशन हुआ करते थे वो बहुत बड़े होते थे, और बेसिकली जो उनका मटेरियल होता था वो लेदर होता था। अब जो है जो कुशन है वो बहुत सारे मटेरियल्स में आने लगा है, बहुत सारे टेक्सचर्स में आने लगा है, और बहुत सारे शेप्स में आने लगा है ये। और जो क्योंकि फर्नीचर बदल गया है इसलिए जो कुशन है उनका भी शेप, साइज और मटेरियल सब कुछ बदल गया है। अब हम बात करेंगे हार्ड फर्निशिंग की। इस कैटेगरी में आते हैं आपके फर्नीचर, लाइटनिंग एसेसरीज, पेंटिंग्स, मूर्तिकला, पिक्चर्स या फिर दराज आदि इसमें आते हैं। हार्ड फर्निशिंग जैसा आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हार्ड मटेरियल से बनी है। इसमें मेनली ये बने होते हैं लकड़ी से, मेटल से, संगमरमर से या कांच इत्यादि से ये बने होते हैं, और इस कैटेगरी में छोटे बक्से से लेके बड़े बड़े कैबिनेट तक शामिल हैं।
अब हम बात करते हैं कि हार्ड फर्निशिंग कितने प्रकार की होती है। इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे शेल्फ फर्नीचर। शेल्फ फर्नीचर को आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप जिन चीज़ों को आप डेली यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए ये सारणी है। तो इस कैटेगरी में अलमारियाँ, बुक स्टैंड, इस प्रकार की जितने भी शेल्व्स हैं वो आती हैं। चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए ये जो शेल्व्स आपको डिफरेंट टाइप की दिख रही हैं, इसमें सबसे पहले है बिल्ट इन शेल्व्स। बिल्ट इन शेल्व्स क्या होती हैं कि ये आपके रूम में एक डेड कॉर्नर होता है या डेड स्पेस होती है जिसका उपयोग आप किसी और चीज़ के लिए नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे शेल्व्स का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये होती हैं बिल्ट इन शेल्व्स। अगला है फिक्स ब्रैकेट शेल्व्स। इस प्रकार की जो शेल्व्स होती हैं आप मेनली देखेंगे किचन में, इसमें क्या होता है जो शेल्व्स होती हैं उनको दीवार में टाइटली सिक्योर कर दिया जाता है। और बेसिकली आप इनको देखेंगे जहाँ पे छोटे बच्चे हों या पालतू जानवर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे इस टाइप की जो शेल्व्स हैं ये यूज़ करी जाती हैं। ये जो शेल्व्स हैं ये दीवार से बिल्कुल बहुत अच्छे से इनको यहाँ पे लगा दिया जाता है और ये बहुत सारा सामान आप इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है फ्लोटिंग वॉल शेल्व्स। जैसा भी आपने पहली शेल्फ देखी, इस जो पिछली शेल्फ थी तो इसमें तो जो शेल्फ्स हैं वो टाइटली दीवार से लगा दी गई हैं, लेकिन जो जो फ्लोटिंग शेल्फ्स हैं ये आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हवा में टंगी हुई हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये भी दीवार में लगाई जाती हैं लेकिन इनका जो पर्पस होता है वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं होता है। ये ज़्यादातर डेकोरेटिव पर्पस को सॉल्व करती हैं और इनका जो मटेरियल लेते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है, मतलब ये मॉडरेट स्टर्डी होता है ताकि आप जो छोटा मोटा डेकोरेटिव आइटम हैं इनके ऊपर रख सकें। अगला है हैंगिंग वॉल शेल्व्स। जो हैंगिंग वॉल शेल्व्स हैं ये जो बेसिकली हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें जो शेल्व्स हैं वो टांगी जाती हैं। इसमें आप टांगने के लिए चाहे तो आप पाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या रस्सियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग साइजेस के जो शेल्व्स हैं वो दीवार से लटका दिए जाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर कारखानों में इस्तेमाल होती है लेकिन क्योंकि आजकल फैशन का दौर है, इंटीरियर डेकोरेटर नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आजकल इन्हें ये घर में भी लगाने लगे हैं। अगली है फ्री स्टैंडिंग शेल्फ। जो फ्री स्टैंडिंग शेल्फ्स है इसे आप समझ सकते हैं ये क्लासिक टाइप की शेल्फ है और ये बहुत ही पहले से यूज़ हो रही है। तो ये मूवेबल होती है, आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं और बेसिकली ये ओपन टाइप होती है। जब ये पहले से जब बनाते थे इसे तो ये मेनली धातु की होती थी, लेकिन अब जो ये फ्री स्टैंडिंग शेल्व्स हैं ये विभिन्न मेटल्स में भी बहुत सारी कैटेगरी आ गई हैं इसकी। उसके अलावा ये अब लकड़ी के सामान का भी उपयोग करके इस टाइप की शेल्फ को अब हम बनाने लगे हैं। अगला है लैडर शेल्व्स। लैडर जो शेल्व्स हैं आप इसे समझिए कि ये बुक स्टैंड हैं। तो यहाँ पे आप अपने बुक्स को रखने के लिए जो शेल्फ है वो लैडर शेल्फ कहलाती है। अगला है ओपन एंड क्लोज शेल्व्स। ये जो है ये वेयरहाउस सिस्टम में यूज़ की जाने वाली शेल्व्स हैं। इसमें जो कुछ शेल्व्स हैं वो ओपन रहेंगी और कुछ जो शेल्व्स हैं वो क्लोज रहेंगी। तो जो ओपन शेल्व्स हैं उसमें आप डेकोरेटिव आइटम्स रखिए और जो क्लोज शेल्व्स हैं उसे आप एज अ स्टोरेज मीडियम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है केस फर्नीचर। जो केस फर्नीचर है इसका जो मुख्य कार्य है वो वस्तुओं और आपकी जो कीमती चीज़ें हैं उनको रखने के लिए यूज़ की जाती हैं ये। तो इनमें जो ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं इसमें बक्से, डेस्क, अलमारियाँ या दीवार पे बनी हुई यूनिट्स आएंगी, लेकिन इनका जो मेन इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें जितने भी जो फर्नीचर होगा इस कैटेगरी का वो दराजों और अलमारियों दरवाज़ों के साथ बनेंगे वो। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इसमें दरवाजे होना मस्ट है क्योंकि केस फर्नीचर है, आप इसमें अपना इम्पॉर्टेंट सामग्री रख रहे हैं। अगला है शारीरिक समर्थन फर्नीचर। इसमें इस टाइप का फर्नीचर आता है जो आपके शरीर को आराम प्रदान करने वाला फर्नीचर है बेसिकली। तो इसमें सोफ़ा, कुर्सियाँ आदि शामिल हैं। तो जो इस टाइप का जो फर्नीचर है वो आपकी बॉडी को रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि फर्नीचर का आपने चयन करना है तो आपने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो फर्नीचर का जब आप चयन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है स्थान या फर्नीचर का आकार, बजट, आराम, वज़न क्या है, शैली क्या है, सुंदरता देखनी है आपने, उपयोगिता देखनी है, निर्माण कैसा है फर्नीचर का, इसके अलावा जो उसकी दृढ़ता और कठोरता इस पर विचार करना है, और आसान देखभाल, इन सब चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है जब आप अपने लिए फर्नीचर का चयन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्थान या फिर फर्नीचर का आकार।
एक जो अच्छा फर्नीचर होता है वो क्या होना चाहिए, कार्यात्मक तो होना ही चाहिए और साथ ही संतुलित होना चाहिए। तो और फर्नीचर जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं घर के लिए, तो आपने देखना है कि जितना भी आपके घर में जो स्पेस है वो उसका अधिकतम लाभ उठा सके। तो आपने जब फर्नीचर आप अपने घर के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अपनी स्पेस और फर्नीचर के आकार दोनों को ध्यान में रखना है आपने। तो और आपने इसके लिए स्पेस नियोजन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। और आप स्पेस नियोजन किसे कहेंगे? स्पेस नियोजन ये है कि आप परिवार के सदस्यों की जरूरतों और गतिविधियों के अनुसार अपने आंतरिक स्पेस का जिस प्रकार से आवंटन और विभाजन कर रहे हैं वो आता है स्पेस नियोजन। इसलिए फर्नीचर खरीदते टाइम स्पेस प्लानिंग मस्ट है। फर्नीचर को कहाँ रखना है, किस प्रकार से रखना है, ये सब चीज़ें आप इसी स्टेज पे प्लान करेंगे। इसके अतिरिक्त जो अगला इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब ये है कि जब आपने अपने घर में फर्नीचर सेट कर दिया है, तो उसके बाद आपने देखना है कि कितना स्पेस बच रहा है सदस्यों के मूवमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा जब आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि जो फर्नीचर है उसका जो साइज है वो आपके घर के अनुपात से मैच करता हुआ होना चाहिए। जैसा कि आपको इसे चित्र में दिख रहा है, जब आपके पास कम स्पेस है तो आपने उसी हिसाब से अपना फर्नीचर का भी चयन करना है। जैसे जो पहला इमेज है आपको उसमें दिख रहा होगा कि क्योंकि पतली स्पेस है तो वहाँ पे एक सेक्शनल सोफा लगा के स्पेस का यूज़ किया गया है, जबकि जो नीचे वाली जो पिक्चर है उसमें काफ़ी ओपन स्पेस है आपके पास, तो आपने एक एल शेप सोफा लगा रखा है और उसके पीछे आपने डाइनिंग टेबल को भी स्थान दे रखा है। तो इस प्रकार से आपने प्लानिंग करनी है। कितनी बार आप क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ आपके, क्योंकि वो आपके घर के इंटीरियर से मैच कर रही है, तो आप उस सोफे को या फर्नीचर को अपने घर में जगह देते हैं। तो ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसला होता है। इसलिए आपने ध्यान देना है कि जब भी आपने फर्नीचर लेना है, स्थान और फर्नीचर के आकार पे ज़रूर ध्यान में रखें। अगला है बजट। बजट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, वैसे तो जो आप फर्नीचर प्लानिंग आप करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट भी है। मेन इंपॉर्टेंट से बजट को ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आप कोई भी फर्नीचर आप रख रहे हैं अपने घर में, तो मिनिमम ऐसा होगा कि आप उसे कम से कम 1 साल तक तो अपने घर में जगह देंगे ही, यदि आपको वो पसंद नहीं भी आ रहा है तब भी। तो इसलिए जब आप फर्नीचर ले रहे हैं तो आप बजट प्लानिंग मस्ट है। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ पसंद आ रही हो लेकिन वो आपके बजट से थोड़ी सी ऊपर जा रही हो, तो आपने ऐसे में क्या करना है? यदि आपको लग रहा है कि फर्नीचर अच्छा है और थोड़े से और उसमें आपको पैसे मिलाने की ज़रूरत है, तो आपने उस फर्नीचर को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या है कि आप एक अच्छी गुणवत्ता वाला फर्नीचर खरीद पाएंगे और अच्छी गुणवत्ता वाला जो फर्नीचर है वो आपका ज़्यादा चलेगा। तो इस प्रकार से आप अपने बजट को जस्टिफाई कर पाएंगे। अगला फैक्टर है आराम। देखिए क्या है, यदि आप घर से काम करें या चाहे आप ऑफिस से काम करें, आराम मस्ट है। जब तक आपको कंफर्ट की फीलिंग नहीं होगी काम करने में, आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो कंफर्ट फैक्टर तो आपने ध्यान में रखना ही है, और साथ में ये ध्यान में रखना है कि जो कंफर्ट फैक्टर हो वो एर्गोनॉमिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो। क्योंकि यदि आपको कार्य करने के लिए एक कंफर्ट जोन में यदि आप नहीं हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी लो होगी। तो इसलिए आपको ज़रूरी है जब आप फर्नीचर खरीदें तो कंफर्ट फैक्टर ध्यान में रखें। अब कंफर्ट भी क्या है? कंफर्ट भी दो तरीके का है। पहला है फिजिकल कंफर्ट। इसका एग्जांपल मैं आपको ये समझाती हूँ कि यदि आपने एक अच्छी सी चेयर खरीदी अपने काम करने के लिए, लेकिन जब आप चेयर पे काम करते करते थोड़ी टाइम में आपके अगर पीठ में दर्द होने लग जाए तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, आपके जो फिजिकल कम्फर्ट है उसमें हिंड्रेंस आ रही है। इसके विपरीत, ये तो हो गई आपके फिजिकल कम्फर्ट की बात, और हम बात करते हैं मेंटल कंफर्ट क्या है। मेंटल कंफर्ट का एग्जांपल आप यूँ समझिए, आपने बच्चों की कमरे के लिए एक अलमारी खरीदना प्लान किया, आपने अलमारी खरीदी, लेकिन आपने जब अलमारी खरीदी तो आपने पाया कि उसमें स्टोरेज के लिए प्रॉपर स्पेस ही नहीं बच रहा है। तो उससे क्या होगा, जो सामान आपने सोचा था कि आप उस फर्नीचर के अंदर रखेंगे वो उसमें आप नहीं रख पा रहे हैं, वो सारा सामान बाहर पड़ा है और सब अव्यवस्थित रूप से फैल रहा है। तो उससे क्या होगा, आपका मूड खराब होगा और आपको बेवजह ही झुंझलाहट और क्रोध आ सकता है। तो इससे क्या होगा, जो आपको जो मेंटल जो कंफर्ट है वो डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए आपने ध्यान में रखना है फर्नीचर खरीदते टाइम आराम बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो फिजिकल हो चाहे फिर वो मेंटल हो। अब है वज़न। फर्नीचर का वज़न और जो उसकी गतिशीलता है वो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। आपने क्या करना है, जब आप फर्नीचर खरीद रहे हैं ऐसे रूम के लिए जहाँ पे गतिशीलता बहुत ज़्यादा है, तो वो फर्नीचर थोड़ा वज़न में हल्का होना चाहिए।
इन केस वो बहुत ज़्यादा हल्का नहीं है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि वो गतिशीलता के लिए उसमें पहिए वगैरह लगे हों, ताकि आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से मूव करें। तो इसलिए वज़न का जो रोल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब भी आप फर्नीचर का सिलेक्शन कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाती हूँ कि क्या है, जैसे आपने एक फर्नीचर खरीदा अपने गार्डन एरिया के लिए, तो क्या है जब धूप के मौसम में आपने चाहा कि आप धूप का आनंद लेना चाहते हैं तो आपने वहाँ बैठ के धूप का आनंद लिया उस फर्नीचर पर बैठ के, लेकिन जब बरसात हो गई तो आप चाहेंगे कि वो जो आपका फर्नीचर बरसात में ना भीगे, तो वो उसका वेट या उसमें गतिशीलता होनी चाहिए कि आप उसे उठा के अगली जगह सुरक्षित जगह आप उसे रख सकें। तो इसलिए वज़न का जो फैक्टर है उसको भी ध्यान में रखें। अगला आती है शैली। शैली क्या है, देखिए बहुत सारी शैलियाँ होती हैं, कुछ ट्रेडिशनल शैली है, कोई मॉडर्न शैली है, तो विभिन्न प्रकार की शैलियाँ हैं, लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर शैली को आप चुनना चाह रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि जो फर्नीचर की जो शैली है वो आपके जो घर का इंटीरियर है उसकी शैली के कम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी फर्नीचर आपने लगा दिया मॉडर्न स्टाइल का और जो आपका जो घर का इंटीरियर है वो ट्रेडिशनल टाइप का है, तो इस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा नहीं होगा। तो आपने ध्यान रखना है जो आपकी शैली है वो आपके घर की जो शैली है इंटीरियर की उससे मेल खाती हो। यह आप चित्र में देख सकते हैं, जो ऊपर के जो तीन डिज़ाइन हैं ये पूरा ही मॉडर्न शैली के एग्जाम्पल हैं, जबकि जो चौथी जो इमेज है वो इसमें आपको एक टीवी यूनिट दिख रही है वो पूरा एक ट्रेडिशनल शैली का एक उदाहरण है। देखिए आप इस स्लाइड में आप देखेंगे कि जो एक जो टेबल है ये क्वीन एनी के टाइप का शैली का टेबल है, और जो नीचे जो चित्र है उसमें आप एक आधुनिक शैली का टीवी यूनिट आप देख रहे हैं, और जो अगली जो हमारी इमेज है उसमें आप देख रहे हैं वो ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न स्टाइल है उन दोनों को ब्लेंड किया गया है। इसमें जो टेबल है वो आपका ट्रेडिशनल शैली का है और जो सोफ़ा है वो मॉडर्न शैली के हैं। तो आपको अपने कमरे की थीम के साथ आपको उसको ब्लेंड करने के लिए इंटीरियर डेकोरेटर ने क्या किया है, जो वॉल को जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो भी इस प्रकार से दिया गया है कि वो ओवरऑल सामंजस्य की भावना पैदा करे। अगला है सौंदर्य। देखिए आप घर में कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसकी एक ब्यूटी वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फर्नीचर के केस में जो फर्नीचर है वो सुंदर तो होना ही चाहिए लेकिन साथ ही साथ टिकाऊ भी होना चाहिए। और जब आप ब्यूटी फैक्टर आप देख रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल मिनिमलिज्म का टाइम है, तो जो आपका जो फर्नीचर है वो डिज़ाइन में सरल होना चाहिए, सरल चीज़ें ज़्यादा सौंदर्यपूर्ण होती हैं, तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ब्यूटी का। इसके बाद हम बात करेंगे उपयोगिता का। जब आप घर में कोई भी चीज़ ला रहे हैं तो उसकी उपयोगिता पे कार्य करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि कोई भी वस्तु उपयोगी ना हो तो उसे घर में जगह आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए जो यूज़फुलनेस है फर्नीचर की वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपने घर के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं तो सबसे पहले एनालाइज़ करिए अपने घर को, उसके बाद ही आप फर्नीचर खरीदने का फैसला कीजिए। इसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपका जो घर का है उसका कार्य का विश्लेषण करिए, जो कार्यशीलता है घर की उस पर आप काम करिए पहले। देखिए यदि आपका अपार्टमेंट छोटा है तो आपने किस तरीके का फर्नीचर खरीदना है उसमें, और यदि बड़ा अपार्टमेंट है तो आपने किस तरीके का फर्नीचर खरीदना है, या फिर आपने यदि बच्चों के कमरों के लिए फर्नीचर खरीदना है तो उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों पर आपने विचार करना बहुत आवश्यक है फर्नीचर को खरीदते टाइम। ये जैसा आप देख रहे हैं कि एक जो टेबल है वैसे तो एक सेंटर टेबल है ये, लेकिन इसकी उपयोगिता इस प्रकार से है कि मल्टीफंक्शनल है, तो जब भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसे आप स्टोरेज आइटम की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और बगल में एक सेक्शनल सोफ़ा लगा हुआ है, तो जो सेक्शनल सोफ़ाज हैं जो मेनली जो छोटे और कम एरिया के जो अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं, और साथ ही साथ ये सुंदर भी होते हैं। अगला है निर्माण और दृढ़ता और कठोरता। इसमें आपने ये देखना है कि जो आपका फर्नीचर है वो किस प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है, तो आपने उस पर ध्यान देना है, मटेरियल के जो निर्माण में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उन पर ध्यान देना है, फर्नीचर के जोड़ों इत्यादियों पर माइन्यूटली आपने विचार करना है। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ कि आपने अपोजिटिव फैब्रिक में चुना अपने फर्नीचर के लिए कि वो सिल्क का फैब्रिक आप चुनेंगे, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, देखिए दिखने में तो ये ऑब्वियसली सुंदर लगेगा लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, जब आप सिल्क का कपड़ा लगाएंगे अपने सोफ़े पे तो ऐसा होगा कि जो ये जो कपड़ा है इससे बने हुए सोफ़े को आप ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रख सकते हैं जहाँ पे धूप आती हो, क्योंकि उससे क्या होगा वो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने निर्माण प्रक्रिया पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। और इसके अलावा आपने देखना है कि जो आपका फर्नीचर है उसमें कठोरता या फिर दृढ़ता कितनी है। इसके लिए बहुत सारे आइटम्स यूज़ होते हैं, ये धातु से लेकर लकड़ी से लेकर कुछ भी हो सकते हैं, और हर जो आइटम है मटेरियल है
उसके अपने फायदे और नुकसान होते हैं, तो आपने उन दोनों को अच्छे से तोलना है आपस में कि क्या चीज़ बेटर है और क्या चीज़ सही नहीं है, उसके बाद ही आपने फर्नीचर खरीदने का फैसला करना है। इसके बाद आता है आसान देखभाल। तो जो आपका फर्नीचर है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी देखभाल करना आसान है। तो जब आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो आप देखिए कि कौन सा फर्नीचर आपको पसंद है और उस फर्नीचर को कितनी देखभाल की आवश्यकता है, और जितनी उसको आवश्यकता है क्या आप उतनी उसकी देखभाल कर पाएंगे या नहीं। यदि आप अपने फर्नीचर की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो एक अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर भी समय से पहले ही खराब हो जाएगा। इसलिए आपने बहुत ध्यान में रखना है कि फर्नीचर ऐसा हो आप उसकी देखभाल अच्छी प्रकार से कर सकें। इसके बाद हम बात करेंगे कि फर्नीचर प्रबंधन में डिज़ाइन के सिद्धांत क्या हैं। मैं आपको इन चीज़ों के बारे में पहले ही अपने व्याख्यानों में डिटेल में बता चुकी हूँ। देखिए, सिद्धांत वही अप्लाई होते हैं फर्नीचर सिलेक्शन में भी, बस अभी मैं आपको जो एग्जांपल दूंगी वो फर्नीचर के कॉन्टेक्स्ट में दूंगी। तो जो सिद्धांत है हमारे वो हैं संतुलन, अनुपात, जोर, एकता और ताल। देखिए, संतुलन मैंने आपको बताया था, संतुलन का अर्थ विजुअल बैलेंस से है। तो जो आपका जो फर्नीचर है वो बैलेंस होना चाहिए रूम के अकॉर्डिंग। तो ये आप तीन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है सिमेट्रिकल बैलेंस। इसमें आप देख रहे होंगे चित्र में कि एक दो सिमेट्रिकल सोफ़ा लगे हैं एक ही टेबल के अगल बगल, और बीच में एक मिरर के अगल बगल दो अलमारियां रखी हैं जो भी वो दोनों अलमारियां एक जैसी ही दिखती हैं। तो इस प्रकार एक टाइप की चीज़ों का यूज़ करके आप सिमेट्रिकल बैलेंस फर्नीचर में यूज़ कर सकते हैं। फिर है एसिमेट्रिकल बैलेंस। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे ये चित्र में आप देख रहे हैं तीन दिशाओं में सोफे लगे हैं और हर सोफा है वो अलग साइज़ का है, लेकिन जब आप उसे देख रहे हैं तो आपको ये विजुअली इक्वल लग रहा होगा। तो इसलिए जो एसिमेट्रिकल बैलेंस है वो आप इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है रेडियल संतुलन। इसका उदाहरण है जो डाइनिंग टेबल और उसके साथ लगी हुई जो चेयर्स हैं वो आपको रेडियल संतुलन का उदाहरण दे रही हैं। अगला है हमारा स्केल और अनुपात। इसमें आपने देखना है जो आपका घर का जो फर्नीचर हो वो अनुपात हो। स्केल से मतलब ये है उसके साइज से है, और जबकि जो अनुपात है वो आपने उसके प्रपोर्शन से उसका मतलब है। तो जितना बड़ा आपका रूम हो आपने उसी के अकॉर्डिंग अपने घर में फर्नीचर का सिलेक्शन करना है, और जो उसके साथ आप जो एसेसरीज यूज़ कर रहे हैं उसका भी आपने अनुपात देखना है, ताकि जो आपका रूम है वो एक एकाकीकृत उस पर प्रभाव दिखाया जा सके। तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि एक पहले चित्र में आपको एक सिंगल सोफ़ा सेट दिख रहा है एक सेंटर टेबल के साथ, और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि जो एक स्टोरेज यूनिट दिख रही है उसके ऊपर एक की स्टैंड लगाया गया है जो अनुपातिक रूप से थोड़ा छोटा है, लेकिन ये दिखने में अच्छा लग रहा है। तो इसलिए आपने स्केल और अनुपात दोनों को ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है जोर। जोर अर्थात इम्फेसिस। जो फर्नीचर भी हमारे घर में एक इम्फेसिस का या पॉइंट क्रिएट कर सकता है, अर्थात फर्नीचर के द्वारा भी एक फोकल पॉइंट क्रिएट करा जा सकता है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा होगा कि हमने एक टीवी यूनिट ली है, और टीवी यूनिट के आसपास जो डेकोरेटिव आइटम हमने इस प्रकार से रखा हुआ है कि जो हमारा टोटल जो फर्नीचर है ये आपके रूम में एक फोकल पॉइंट क्रिएट कर रहा है। अगला है ताल। ताल में आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक रंग का ही इस्तेमाल करके फर्नीचर और फर्निशिंग आइटम्स में एक पिंक कलर का इस्तेमाल करके एक ताल क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो इस प्रकार फर्नीचर भी आपके घर में ताल को क्रिएट कर सकता है। अगला है विषमता। विषमता से मतलब है कॉन्ट्रास्ट से। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो सोफे के कलर हैं बहुत ज़्यादा डार्क हैं, जबकि जो पर्दे हैं वो लाइट कलर में हैं। इस प्रकार एक कलर का कॉन्ट्रास्ट करके भी विषमता अचीव करी गई है इस पिक्चर में। अंत में आता है एकता। एकता से मतलब ये है कि आपने जो सारे जो अपने डिज़ाइन के जो सिद्धांत हैं वो आपने इस प्रकार से अप्लाई करने हैं कि आपके जो रूम है वो एज अ यूनिट लगे, वो सब चीज़ उसमें ऐसा लगे सामंजस्यपूर्ण लगे उसमें। तो कितनी बार आप कलर का यूज़ करके या कितनी बार जो फर्निशिंग जो आइटम्स हैं उनमें एक इस प्रकार से यूज़ करें ताकि जो पूरा जो आपका फर्निशिंग आइटम्स है वो उसमें एक एकता की भावना आए और वो पूरे जो आपके घर का इंटीरियर है उसके साथ भी वो मेल खाए। आज के हमारे इस व्याख्यान में इतना ही। हम अगले व्याख्यान में मिलेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी विभिन्न प्रकार के फर्नीचर की शैलियों के विषय में। आशा करती हूँ मेरा ये व्याख्यान आपको उपयोगी लगा हो। थैंक यू।